हाँ जी अच्छी ऊंचाई बस आई वुड लव टू विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. मैंने प्रोमोज देखे हैं, पहला एपिसोड आज देखा, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. शायद घर जाके पूरा सीरीज देख लूँगा, बट इट्स लुकिंग फैंटास्टिक, सो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. ये उज्ज्वल जी हमारे दोस्त, पुराने दोस्त, ही इज पार्ट ऑफ इट, ही इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट, एंड इट्स अ प्लेजर ऑलवेज. Very soon. Keep your televisions on. OTT और movies देखते रहना बहुत जल्दी. Yeah. Definitely, I feel Hotstar काफ़ी quality shows लेके आ रहे हैं. And I wish them all the very best. And yeah, they're doing a great job. किसान तो हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि जो भी वो बोए वो सारे लोग जो हैं अच्छे से जो है उगे और खाएं. तो मुझे लगता है कि हमने भी ये जो जब शो बना रहे थे तो आई थिंक दैट फीलिंग वाज ऑलवेज देयर. इट शुड बिकम अ हिट एंड बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक टॉपिक व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ. सो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोगों ने देखा है, अभी तो बहुत सारे लोग देखेंगे. एंड इफ दे कैन टेक अ क्यू ऑफ लाइफ दैट हाउ मेंटल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट, आई थिंक दैट्स द सक्सेस ऑफ द शो. आई थिंक इट्स द ऑनेस्टी दैट्स पेड ऑफ, क्योंकि बहुत ईमानदारी से शो बना है और बहुत सच्चाई से चीज़ें दिखाई गई हैं. और मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, उसकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट्स द प्राइमरी पार्ट दैट इज़ देयर. एंड थैंक्स टू ऑल द पीपल हु बीन अ पार्ट ऑफ दिस शो. एंड द शो इज़ डूइंग फिनोमिनली वेल एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड दैट्स वाई वी आर सेलिब्रेटिंग. या जितना सब लोगों ने इस पर मेहनत किया, यहाँ पर जो भी खड़े हैं, जो अभी आ रहे हैं और जो अंदर हैं, उन सब की मेहनत का ही ये फल है जो ये शो निकल के आया है. और आज उन सब लोगों को इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा, जिन जिनने काम किया है, थैंक यू करने के लिए ये पार्टी रखी गई. यस ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच. आप भी पार्टी करके जाइएगा सर. या First of all, though, I'd like to congratulate Nirvikar Films and Nikhil Nanda for making such a beautiful show, an amazing show. Iski maine docu series dekhi thi usse pehle, but now they have converted that into a web series, or it's amazing, yaar. So congratulations to Nirvikar and Nikhil sir. Such a wonderful show they have made. बहुत मजा आया देख के, such a suspense thriller. मुझे लगता है ये documentary से भी अच्छा था. Of course, yaar. Huh? It was much better. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Yeah, so I think, please ladies first. Yeah. So Aakhri Sach is, I think, a little unconventional type of a series, and which is very good that Bollywood is venturing out into concept art and much more than the other filmy masala as well, and showing more and more international sort of content. So I think it's a big step up in Bollywood and I absolutely loved it. And I feel that Tamanna Bhatia and Abhishek Banerjee is a very unusual cast, kyunki main casting karta hu pichle 28 saalon se, so I think it's a very unique cast and they are doing exceedingly well. So I wish the team of Aakhri Sach all the very best, and Nikhil, my very dear friend who's a producer of the series, all the very best Nikhil for all your future work. Yes, all the very best Nikhil, and amazing production. Thank you so much. Congratulations Nikhil ji ko aur sare star cast ko. हमारे तरफ से बेस्ट विशेज, ऑलरेडी रिलीज टेलीकास्ट हो चुकी है आखिरी सच, और उन्होंने रियल हादसे पे बनाए हैं, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो. बहुत अच्छी चल रही है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, हमारे बेस्ट विशेज. सर आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर बात करें, नहीं अभी के बारे में बात करेंगे. हम लोग के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं, और
अभी फिलहाल कुछ बताना नहीं चाहेंगे, खुशखबरी अच्छा सब सुनाएगी आप। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। So thank you so much guys, keep loving me and naya show jo